स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल भेजी ब्लॉग्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप कि अच्छे होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। गाइस जैसा कि हम बता दें आए अपने घर आ चुके हैं, कतर में थे पहले और आए हुए अपने घर, और बहुत दिनों से कोई वीडियोस नहीं डाला था। आज हम सोचे कि आ जाएं यहाँ पे एक नदी किनारे, बहुत ही क्या बताएं, बहुत ही अच्छा पूल है। तो हमारा ख्याल आया कि सोचे एक ब्लॉग बना के यहीं का दिखाए थे, और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का, और मॉर्निंग का नज़ारा देख सकते हैं। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है पीछे बैकग्राउंड से। तो जैसा एक हमारे सामने एक पूल भी दिख रहा है, वो दोनों साइड से रेडी तो हो चुका है, बट हमको लग रहा है कि तकरीबन 10 साल पहले से इसमें काम लगा होगा और अभी तक ये बना नहीं है। तो सोचिए अपने ब्लॉग के जरिए आपको दिखाते हैं हम। तो चलिए बैक कैमरा करके दिखाते हैं आपको और देखिए नज़ारा। ये एक हमारे सामने एक भाई साहब दिख रहे हैं, इस पुल के बारे में कुछ बताइएगा। और मनीष कश्यप जी से निवेदन है कि थोड़ा हमारे स्टेट इधर गोपालगंज में भोरे थाना क्षेत्र में इधर भी थोड़ा आइए और कुछ नज़ारा यहाँ का भी दिखाइए, ताकि हमारे थाने का भी कुछ भला हो जाए। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। नदी है, ये बहुत ही बड़ा नदी है, जब बारिश आता है तो पूरा पानी होता है, चारों तरफ पूरा पानी हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और इस पर पुल देखिए आप, ये पुल का जो है बनाने में आता है टैंक, वही टैंक है, इसी के काम किया जाता है। और ये भाई साहब हमारे देखिए पुल पे देख रहे हैं, आपका क्या राय है भाई पुल के बारे में? बहुत दुर्घटना होता है, और इस पुल पे जब चल रहे हैं ऐसे पूरा पुल हिल रहा है, और अभी हम लोग आए थे बाइक से, हम लोग ये पुल क्रॉस करना था, और अब देख सकते हैं पुल हम लोग क्रॉस तो कर चुके, बट पुल बहुत ही इधर बाइक वहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये पुल बहुत ही जर्जर हालत में है, हमको लग रहा है कहीं गिर ना जाए। और बांधा किसे ये भी देख लीजिए, किस चीज से बांधा गया है ये भी देख लीजिए, कैसे कैसे बांधा गया है। और वो पुल देखिए, वो बना है कितने दिन से बना है, वो पुल देख सकते हैं आप, बहुत पुराना काम लगा हुआ है, और पता नहीं किस सन में ये जो है कम्प्लीट होगा बन के, आप देख सकते हैं। और वहाँ से जो है वहाँ तक पीच आया हुआ है, और ये पुल के वजह से वहाँ तक रोड भी नहीं बना है यहाँ तक अभी, आप देख सकते हैं बीच में ही गायब है इधर पर। आप पुल देखिए, बड़ी नदी है, बहुत ही बड़ा नदी, झरई नदी बोलते हैं हमारे यहाँ, बहुत दूर से पता नहीं कहाँ से चलते कहाँ तक जाते हैं, हमको ये भी नहीं पता, और आप देख सकते हैं। और देखिए एक और बाइक आ रहा है, देखिए कैसे क्रॉस होगा, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जान हथेली पे रख के पार करना होता है, देख सकते हैं। तो मनीष कश्यप जी से निवेदन, एक बार जरूर यहाँ पे आइए, देख सकते हैं आप। तो प्लीज जो भी इस वीडियो से देख रहा है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हो सकता है हमारे गांव का भी कुछ भला हो जाए और पुल जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए। और हमको लग रहा है तकरीबन पूरे दिन में यहाँ पे 100 बाइक्स तो जरूर गुजरता है यहाँ से, और आप देख सकते हैं। अभी आप नज़ारा देख रहे हैं मझीरवा, जो मझीरवा में स्थित रहता है, के बगल का है मझीरवा, तो हम लोग उसी में जा रहे हैं, अपने बाइक के कुछ सर्विसिंग कराना था। तो चलिएगा इस वीडियो, आप लोग अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और घंटी का ऑप्शन जरूर दबाइए, ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियोज़ है आप पोस्ट करना ऑर्डर कर।